कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए। पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दमदार खेल दिखाया था, लेकिन दूसरे दिन कीवी गेंदबाजों ने दमदार वापसी की और टीम इंडिया को 345 रनों पर रोक दिया। इस दौरान अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही श्रेयस अय्यर ने शतक ठोककर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। अब उधर खेल के दूसरे दिन टीम इंडिया की जब बल्लेबाजी शुरू हुई तो श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और धमाकेदार शतक ठोक दिया। हालांकि अपने शतक को वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए और 171 गेंदों का सामना करते हुए 105 रन बनाकर टीम सऊदी का शिकार हो गया। अपनी पारी में उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर के अलावा शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली। आपको बता दें, ये मैच कई मायनों में श्रेयस अय्यर के लिए खास बन गया। श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं और उन्होंने एक तरीके से साबित भी कर दिया कि उन्हें इस मुकाबले में जो मौका मिला वो बिल्कुल सही था। उन्होंने कई खूबसूरत शॉट्स लगाए। उन्होंने शुरुआत काफी धीमे अंदाज में की, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद 157 गेंदों पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। वो डेब्यू टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले 16वें भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। इसके अलावा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में शतक जड़ने वाले 3रे भारतीय खिलाड़ी बने। इसके अलावा सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करते हुए शतक ठोकने वाले वो 3रे खिलाड़ी बने। श्रेयस ने 26 साल 355 दिन की उम्र में ये शतक ठोका है। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए T20I और ODI में पहले ही डेब्यू कर लिया था, लेकिन टेस्ट मैचों में उन्हें डेब्यू करने में काफी समय लग गया। आपको बता दें, ODI में उन्होंने डेब्यू 2017 में किया था, वहीं T20I में भी उनकी डेब्यू 2017 में ही हुई थी, लेकिन T20 के बाद जिस तरीके का खेल उन्होंने IPL में दिखाया, अब उन्हें टेस्ट टीम में भी मौका मिल ही गया। अब तक बताएं, ODI में उन्होंने 22 मैचों में 813 रन बनाए हैं, वहीं T20I में खेले 31 मैचों में उन्होंने 580 रन बनाए हैं, वहीं IPL के 87 मैचों में उन्होंने 2375 रन बनाए हैं।